क्या आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि रियली में अनबिलीवेबल होते हैं, ऐसा लगता है उनके पास कोई सुपर पावर है। डिस्कवरी में एक शो आया करता था जिसका नाम है स्टैनली सुपर ह्यूमन, एंड वो क्या करते थे कि रियल लाइफ में जाके अलग अलग लोकेशन में जहां जहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास एबिलिटीज हैं उनको सर्च करते थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक मैग्नेटिक मैन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अपने बॉडी पे लोहे को चिपका देता है। इन्होंने अपने बॉडी पे लोहे के टोटल 53 स्पून्स को चिपकाया। उनके अंदर एक अजीब तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसको कभी भी विज्ञान समझ नहीं पाया है कि एक इंसान के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बार कोड के साइड में या फिर वहीं पे ऐसे कहीं ऊपर में आपको ऐसा कोई साइन देखने मिलेगा जिसमें कि ऐसा डब्बा खुल रहा होगा और उसमें कुछ 12M 3M लिखा होगा। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? ये सिंपली एक्सपायरी डेट को ही ऐसे ग्राफिक फॉर्म में लिखा रहता है। 12M यहाँ लिखा हुआ है मतलब ये 12 महीने के बाद खराब हो जाएगा। इधर 36M लिखा हुआ है मतलब ये 3 साल तक चलेगा सील को तोड़ने के बाद, इसलिए यहाँ पे ऐसे पैकेज ओपन हो रहा है ऐसा डायग्राम बना हुआ है। क्या आपको पता है कि एक फोबिया है जिसको कहते हैं थैनाटोफोबिया, और इसका मतलब होता है मरने से बहुत ज्यादा डर लगना। क्या है कि सबको पता है कि मरना तो है ही एक दिन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस थॉट से लोगों के पसीने छूटने लगते हैं कि मुझे मरना नहीं है। देखो मरना तो किसी को नहीं है, सबको एक दिन मरना है, बट इसको हम लोग लॉजिकली ज्यादातर लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, बट कुछ लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं। और जब भी मौत के बारे में ख्याल आता है भले ही वो 80 साल बाद आए, बट उसके बारे में सोच के वो एकदम कांपने लगते हैं, उनको पसीना आ जाता है और वो एकदम चुपचाप हो जाते हैं। तो जो एक्सट्रीम फियर होता है, एक अनयूजुअल सी फियर, उसको थैनाटोफोबिया कहते हैं। क्या आपको पता है कि आंसू 3 टाइप के होते हैं? पहला बेसल टियर। बेसल टियर मतलब जब आपका आंख बहुत ज्यादा सूख जाता है तब थोड़ा सा अपने वो आंख वाटरी हो जाता है। जैसे आप बहुत देर कंप्यूटर या मोबाइल यूज कर रहे हो तो आंख ड्राई हो गया, तब बेसल टियर निकलता है आंख अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए। फिर आता है रिफ्लेक्स टीयर्स। रिफ्लेक्स टीयर मतलब वो किसी स्टिमुलस के चलते हुआ है, जैसे कि अगर कोई प्यास काटता है तब जो निकलता है वो होता है रिफ्लेक्स टीयर्स। और थर्ड तरह का होता है इमोशनल टीयर्स, एंड ये तब निकलता है जब आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाती है। दैट्स गजब।